नमस्कार, आज हम लोग बात करेंगे 16 संस्कारों के बारे में। लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि केवल पूजा पाठ करना ही पर्याप्त नहीं है। कुछ संस्कार हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक है। पहला संस्कार, गृह में सदैव तांबूल या पान का सेवन हो, और विशेषकर गृह की स्त्रियां ऐसा अवश्य करें, क्योंकि तांबूल के प्रयोग से गृह में सदा श्रीहरि और सौभाग्य का वास होता है। दूसरा संस्कार, शौच के उपरांत चरण धोए बिना कभी भी गृह में प्रवेश या पूजा पाठ ना करें, क्योंकि शौच के उपरांत चरण ना धोने से कलयुग का प्रभाव होने पर दुर्गंध का आरंभ होता है। तीसरा संस्कार, गीले चरण लेकर कभी भी निंद्रा हेतु शैया पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कुविचारों को प्रोत्साहन और दरिद्रता को आमंत्रण मिलता है। चौथा संस्कार, निर्जन स्थान पर कभी भी अकेले निंद्रा नहीं करना। इस संस्कार के पालन से शत्रुघात का भय क्षीण होता है। पांचवा संस्कार, गृह में सेवक, प्रहरी और छात्र को आवश्यकता से अधिक नींद की छूट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रहरी और सेवक निंद्रा में रत रहेंगे तो गृह की सेवा क्षीण होगी, कार्य पूर्ण नहीं होंगे, और यदि छात्र अधिक देर निंद्रा का सेवन करेंगे तो विद्या अर्जित नहीं कर सकेंगे। छठा संस्कार, पूर्ण रूप से अंधकार में कक्ष में कभी निंद्रा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से अंधकारी शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। सातवां संस्कार, कभी भी शमशान भूमि में निंद्रा नहीं करना, क्योंकि शमशान में निंद्रा करने से व्यक्ति स्वयं को नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित होने का अवसर प्रदान करता है। आठवां संस्कार, अपनी शैया पर कभी भोजन नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से अस्वस्थता एवं मृत्यु का योग बनता है। नौवां संस्कार, कभी भी निर्वस्त्र होकर निंद्रा नहीं करना, क्योंकि निर्वस्त्र निंद्रा करना महादेव का अपमान होता है। दसवां संस्कार, भोजन के उपरांत अपना मुंह स्वच्छ करना आवश्यक है। ऐसा करने से अस्वस्थता उत्पन्न करने वाले कीटाणु और जीवाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। ग्यारहवां संस्कार, उत्तर दिशा में शीश करके कभी निंद्रा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से चरण दक्षिण दिशा में हो जाते हैं, जो दक्षिण दिशा में वास करने वाले हमारे पूर्वजों एवं काल भैरव जी का अपमान है, जिनके क्रोध का परिणाम मृत्यु नहीं हुआ तो मानसिक संतुलन खोना तो अवश्य होता है। बारहवां संस्कार, अपना शीश कभी भी पश्चिम दिशा में रखकर निंद्रा नहीं करना, क्योंकि पश्चिम दिशा में शीश रखकर निंद्रा करने से चिंताओं में वृद्धि होती है। तेरहवां संस्कार, छात्र पूर्व दिशा में ही शीश रखकर निंद्रा करें, क्योंकि पूर्व दिशा में शीश रखकर निंद्रा करने वालों को ज्ञान और विद्या सहज प्राप्त हो जाते हैं। चौदहवां संस्कार, छात्रों के अतिरिक्त अन्य सभी दक्षिण में ही शीश रखकर निंद्रा करें, क्योंकि दक्षिण में शीश रखकर निंद्रा करने वालों को धन, विद्या, यश, स्वास्थ्य, दीर्घायु सभी प्राप्त हो जाते हैं। पंद्रहवां संस्कार,
निंद्रा करते समय कम से कम एक प्रहर सर्वप्रथम दाहिनी ओर मुख कर निंद्रा अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से गहरी निंद्रा का सुख प्राप्त होता है और गहरी निंद्रा प्राप्त करने वाला सदा सुखी रहता है। 16वां संस्कार, सभी को ही ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होना होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्राण वायु का प्रभाव होता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होने से व्यक्ति निरोगी और दीर्घायु बनता है। ये हैं वो 16 संस्कार जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस ज्ञान को सुनने और देखने के लिए आपका धन्यवाद।